निम्न जानकारी आरएसएन लिमिटेड से 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष से संबंधित है, आप इसे वित्तीय लागत पर टिप्पणी में दर्शाइए। पहला, ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन 2,50,000। दूसरा, बैंक अधिविकल्प पर ब्याज इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 35,000। तीसरा, ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा अपलिखित डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ 10,000। फोर्थ, स्थायी जमा पर ब्याज प्राप्त इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 25,000। पांचवा, बैंक व बैंक चार्जेस 9,500 एंड जमा पर ब्याज इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट 75,000। अब क्योंकि हमें वित्तीय लागत में को यहाँ पर हम किस प्रकार से शो करेंगे वो हमको यहाँ पर दर्शाना है, तो सबसे पहले जब हम नोट्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 दिया गया है, तो इसके लिए हम पर्टिकुलर में फर्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे वो यहाँ पर हम फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करनी है, तो इसके अंतर्गत जिन मदों को शामिल किया जाएगा वो होगी सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन 2,50,000, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 35,000, और उसके बाद हम यहाँ पर शामिल करेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट 75,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ 10,000। तो कुल मिलाकर जो फाइनेंस कॉस्ट के लिए हम जिन मदों को यहाँ पर शामिल करते हैं, जैसे कि हमने जब वीडियो देखा तो हमने देखा था कि किस तरह की किन किन मदों को जब वित्तीय लागत में जो बैंक से लिए गए ऋण होते हैं, चुकाए गए ऋण होते हैं, ऋण की पूरी प्रक्रिया में जो एक्सपेंसेस होते हैं केवल उन्हें ही हम वित्तीय लागत के अंतर्गत फाइनेंस कॉस्ट के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस पूरे प्रश्न में से हम केवल उन्हीं बिंदुओं को निकाल रहे हैं जो फाइनेंस कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं और उन्हीं को हम ऐड करके अमाउंट टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत शामिल करेंगे, जो कि टोटल आएगा 3,70,000। इन्हीं व्ययों में एक व्यय और शामिल किया जाता है जिसे हम हास या प्रत्युसर्जन व्यय कहते हैं। वास्तव में ये वो व्यय होते हैं जो एक कंपनी स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास कैलकुलेट करके करती है। प्रारंभ से ही हमने देखा कि कंपनी को के संचालन के लिए कंपनी बहुत सारी फिक्स एसेट्स, बहुत सारे स्थायी संपत्तियों का प्रयोग करती है। इन स्थायी संपत्तियों के लिए एक डेप्रिसिएशन फंड जो है वो अलग से बना लिया जाता है। डेप्रिसिएशन हर साल उसमें कैलकुलेट किया जाता है, तो ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है वो इसके अंतर्गत लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम जब नोट्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अगर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस दिए गए हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन को लिखते हैं। और मान लीजिए कई स्थायी संपत्तियों पर हास दिया गया है, बहुत सारे फिक्स एसेट्स पे है डेप्रिसिएशन, तो हम अलग अलग करके उनको पहले इनर कॉलम में लिख लेंगे। जैसे बिल्डिंग है 50,000, कंप्यूटर्स है 40,000, फर्नीचर एंड फीचर्स है 2,000, और फिर टोटल जो अमाउंट होगी जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में, और फिर टोटल जो अमाउंट होगी जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं 92,000 की, उसको हम फाइनल अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। अमोर्टाइजेशन में हम देख रहे हैं कि किन किन संपत्तियों को हम लिख सकते हैं, जैसे कि गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, यानी कि सारी अमूर्त संपत्तियों पे इन अमाउंट्स को हम लिखते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुडविल और पेटेंट को हम लिखेंगे यहाँ पे 15,000 और 25,000 से, तो टोटल ये जो अमाउंट होता है वो हो जाती है 40,000। और फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं अमाउंट टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये जो टोटल है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को दोनों को हम जोड़ के 1,32,000 के अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम देखते हैं, जैसे कि हमने आय के बारे में देखा, बहुत सारे व्यय ऐसे होते हैं जो इस पूरे 6 जो हमने टॉपिक्स देखे उनमें नहीं आते, इन अन्य व्यय को इस शीर्षक के अंतर्गत डाल दिया जाता है। तो आइए देखें एक काल्पनिक ब्यौरा तैयार करके कि कौन कौन से ऐसे व्यय होते हैं जो अदर एक्सपेंसेस यानी कि अन्य व्यय के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। अन्य व्यय जिसको हमने किसी शीर्षक में नहीं दर्शाया गया, उन सभी शीर्षकों को हम इसके अंतर्गत शामिल कर देंगे। आइए एक उदाहरण के आधार पर देखते हैं कि किस किस व्यय को इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ हम राशियों को एक काल्पनिक राशि के रूप में दर्शा रहे हैं, तो नोट्स ऑफ अकाउंट्स जब हम रेडी करेंगे तो उसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं अदर एक्सपेंसेस में कैरेज इनवॉट 5,000, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस 40,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 34,000, टेलीफोन एक्सपेंसेस 12,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 24,000, रेंट 60,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 25,000,
इस तरह से हम ये सारे जो अदर एक्सपेंसेस है उनको लिखेंगे और फिर उसका जो टोटल आएगा उसको हम कहेंगे अमाउंट टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने देखा कि किस प्रकार कंपनी के लेखा पुस्तकों में लाभ हानि विवरण यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में व्यय का जो पोर्शन होता है, एक्सपेंसेस का जो भाग होता है, किस प्रकार से उसमें शीर्षकों को उपशीर्षक में विभाजित करके उसका लेखा किया जाता है। अब इसी के अंतर्गत हम बात करें नोट्स ऑफ अकाउंट्स। ये एक ऐसा नोट होता है जिसके अंतर्गत उस राशि का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है जिसको कि हमको फाइनल निकाल कर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखना होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब क्रियात्मक प्रश्न हमारे सामने होते हैं तो वो काफ़ी लंबे चौड़े रहते हैं और हमने लाभ हानि खाते का प्रारूप देखा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट जब देखा तो हमने देखा कि किस प्रकार वो बहुत अच्छे से व्यवस्थित होकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अब इस प्रकार से इसके जो अमाउंट्स होती है उस पूरे अमाउंट को हम व्यवस्थित करके रखें, बहुत सारा इसमें हम अमाउंट लिख देंगे और फिर टोटल करके लिखेंगे तो इसका ये जो होता है फॉर्मेट काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसके लिए नोट्स ऑफ अकाउंट्स अलग से मेंटेन किया जाता है, विस्तृत रूप से नोट्स ऑफ अकाउंट्स में कैलकुलेशन सब कर दी जाती है कि कोई जो अमाउंट आई है वो किन किन मदों को जोड़कर आई है और उसके बाद जो फाइनल अमाउंट रहती है केवल उसी अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंतर्गत लिखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि नोट्स ऑफ अकाउंट्स का इस पूरे वित्तीय विवरण में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाता है जो हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर हम केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग जान लें। ये वास्तव में एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो किसी कंपनी के फाइनेंशियल जो उसकी पोजीशन होती है उसको बताता है, स्पेशली कैश के बारे में बताता है कि कैश का जो फ्लो है वो किधर है, किस साइड है। इसको जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो बहुत आसानी से जान जाते हैं कि वास्तव में एक निर्धारित अवधि में किसी व्यावसायिक संस्था का जो संचालन है उसकी स्थिति क्या है, विनियोग की स्थिति क्या है, ऋण की स्थिति क्या है, संपत्ति की स्थिति क्या है, ऐसे बहुत सारे जो फाइनेंस से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं, कैश से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। 31 मार्च 2018 को बजाज लिमिटेड की पुस्तकों से निम्न सूचनाएं उपलब्ध हैं। आप कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार लाभ हानि विवरण बनाइए। भवन पर हास डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीमाइसेस 8,000, सामग्री उपभोग मटेरियल कंज्यूम 8 लाख, ओपनिंग स्टॉक 40,000, सैलरी 1,14,000, बैड डेट्स 3,800, बोनस ऑफ एम्प्लॉयज 20,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 16,000, डेप्रिसिएशन इन मशीनरी 18,000, गाड़ी भाड़ा कन्वीनियंस 4,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000, इंश्योरेंस 16,200, सेल्स रिटर्न 40,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000, मशीनरी 6 लाख, पीएफ कंट्रीब्यूशन 86,000, प्रीमाइसेस 1,60,000, कंप्यूटर 40,000, सेल्स 12,40,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 1,20,000। यहाँ पर हमको इन सूचनाओं के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार लाभ हानि विवरण बनाना है। तो जैसे कि हमने देखा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार लाभ हानि विवरण का क्या फॉर्मेट रहेगा, किन किन व्यय और आय उनको कहाँ कहाँ पे शामिल किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल यहाँ पर 12 लाख की दी गई है, तो 12 लाख से हम इसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले। और सेकेंड हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है अदर इनकम का, जिसके बारे में यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है, तो हम इस 12 लाख को ही टोटल रेवेन्यू थर्ड पॉइंट में मान लेंगे। अब हम इसके अंतर्गत एक्सपेंसेस लिखेंगे, कौन कौन से एक्सपेंसेस आए हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो टेबल है उसमें से हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसमें आएगा सबसे पहले यहाँ पर हमको दिख रहा है मटेरियल कंजप्शन, मटेरियल कंज्यूम 8 लाख,
परचेस कुछ भी नहीं है तो उसको हम, क्योंकि हेड है वहां पर, हेडिंग है हमारी, तो परचेस लिखकर जीरो लिख देंगे। चेंज इन इन्वेंट्रीज दी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन में, चेंज इन इन्वेंट्रीज 80,000 की, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2017, और उसके अंतर्गत हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। इसके लिए हम नोट जो बनाएंगे उसमें हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है उसमें हम सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। सेल है यहाँ पर हमारा 12,40,000 और सेल्स रिटर्न 40,000 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो हमारा सेल जो आ जाएगा वो हो जाएगा 12 लाख। तो 12 लाख के अमाउंट हम फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिख देंगे। सेकेंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अदर इनकम कुछ भी नहीं है, तो टोटल रेवेन्यू को हम 12 लाख ही रहने देंगे। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हम एक्सपेंसेस लिखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सपेंसेस देख रहे हैं कि मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 8 लाख, सबसे पहले हम उसकी एंट्री कर ली हमने मटेरियल कंज्यूम की। बी जो हमारा सब टॉपिक है परचेस का, लेकिन हमने कुछ भी परचेस नहीं किया है तो 0 रुपीज हम वहाँ पर लिख सकते हैं। सी वाला जो पॉइंट है वो चेंज इन इन्वेंट्रीज का है, तो फिर से हम नोट्स में चेंज इन इन्वेंट्रीज के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमने देखा फॉर्मेट में कि किस प्रकार से चेंज इन इन्वेंट्रीज के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, और फिलहाल यहाँ पर जब हम चेंज इन इन्वेंट्रीज की बात करते हैं तो हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 40,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 1,20,000, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है जैसे कि हमने देखा था वो कहलाता है चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो 40,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो था 1,20,000, तो ये जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर 80,000 वो हम मान लेंगे कि वो चेंज इन इन्वेंट्रीज है। डी वाले पॉइंट में हम लिखेंगे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो डी वाला जो पॉइंट है वहां पर नोट्स जब हम उसका प्रिपेयर करेंगे तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में हम इनकी सैलरीज लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन फंड लिख सकते हैं और बोनस लिख सकते हैं। ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। तो इन तीनों का जो टोटल है 2,20,000, उसकी एंट्री हम यहाँ पर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंतर्गत करेंगे। ये जो पॉइंट है वो है फाइनेंस कॉस्ट का, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट के बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से 16,000 दे दिया गया है, तो इसकी हम कोई कैलकुलेशन यहाँ नहीं करेंगे। एफ जो हमारा पॉइंट है वहां पर हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर क्योंकि इसके लिए हमको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ प्रीमाइसेस पे डेप्रिसिएशन दिया गया है और मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन दिया गया है, तो फोर्थ नोट में हम इसको बना लेंगे 8,000 जो है वो डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस है और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है 18,000। टोटल 26,000 से हम इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अदर एक्सपेंसेस का, तो जैसे कि हमने देखा था फॉर्मेट में कि अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत जो शामिल किए जाने वाले एक्सपेंस है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे, बैड डेब्ट्स है 3,800 का, कन्वीनियंस है 4,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 20,000 की और इंश्योरेंस दिया गया है 16,200, तो ये ओवरऑल 44,000 यहाँ पर हमारा अदर एक्सपेंस बनेगा, जिसको हम यहाँ पर जी जो हमारा उपशीर्षक है उसके अंतर्गत हम लिखेंगे 44,000। तो एक्सपेंसेस हमने जो भी पॉइंट्स जो क्वेश्चन में दिए गए उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और टोटल जो हमारा एक्सपेंस आ रहा है वो है 10,26,000। अब फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स लिखते हैं, और जिसके अंतर्गत फॉर्मेट में हमने देखा था कि यहाँ पर हम थर्ड जो पॉइंट रहता है हमारा उसमें से हम फोर्थ पॉइंट को माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ हमारा जो थर्ड पॉइंट यानी कि टोटल रेवेन्यू है वो है 12 लाख, और इसमें से हम फोर्थ पॉइंट यानी कि 10,26,000 को माइनस करके लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1,74,000। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट में हम प्रोविजन फॉर टैक्स लिखते हैं, तो 60,000 का यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स बनता है, वो इसकी एंट्री हम यहाँ पर लिख लेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसके अंतर्गत हम प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स लिखते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि फिफ्थ पॉइंट में से सिक्स पॉइंट को माइनस कर देते हैं, तो फिफ्थ पॉइंट हमारा यहाँ पर आया था 1,74,000 और सिक्स की हमने यहाँ पे एंट्री की थी 60,000 से, तो दोनों को जब हम माइनस कर देते हैं तो ये जो हमारा एट पॉइंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स वो आ जाएगा 1,14,000। निम्न शेष 31 मार्च 2006 को रामा लिमिटेड की पुस्तक से लिए गए हैं।
समता अंश पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 इच 10 लाख, प्रतिभूति प्रीमियम संचय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख, 12% डेबेंचर 4 लाख, क्रेडिटर 2 लाख, प्रस्तावित लाभांश प्रपोज डिविडेंड 50,000, आधिक्य लाभ हानि विवरण शेष सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 50,000, भूमि एवं भवन लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख, सरकारी बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स 5 लाख, पूंजी कार्य प्रगति पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बिल्डिंग 3,50,000 तथा रोकड़ बैंक में कैश एट बैंक 50,000। 1 अप्रैल 2014 को ऋण पत्रों का निर्गमन जो 5 वर्ष पश्चात 31 मार्च 2019 को शोधनीय है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार कंपनी का चिट्ठा बनाइए। इस प्रश्न में हमको कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के भाग 1 को फॉलो करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी हेडिंग दी गई है, और फर्स्ट जो पॉइंट हम लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में वो होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इसमें जो फर्स्ट हेडिंग होती है वो होती है शेयर होल्डर्स फंड। तो देखते हैं शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आई हैं। एक चीज हमको यहाँ पर और ध्यान रखनी है, हमने वीडियो में देखा था नोट्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाना पड़ता है कई बार जब बहुत सारे पॉइंट दिए गए होते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, तो इसके जस्ट बाद हम तो साथ में हम यहाँ पर नोट्स ऑफ अकाउंट भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का, उसके अंतर्गत हमको सबसे पहले लिखना है ए पॉइंट में शेयर कैपिटल, और इसको हम नोट्स ऑफ अकाउंट पे अपने लिख लेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं शेयर कैपिटल के शेयर्स के वो हो जाएंगे 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 इच और 10 लाख हो जाएगा। इसको हम नोट 1 में भी दर्शा देंगे और साथ में बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल में लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट डाल के, नोट नंबर में फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और करेंट ईयर का जो अमाउंट है उसमें हम 10 लाख लिख देंगे। सेकेंड हमको लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस का जब हम यहाँ पर नोट ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 चीजें दी गई है रिजर्व एंड सरप्लस में। दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस का हमको नोट्स ऑफ अकाउंट बनाना है जिसमें 2 चीजें दी गई है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख और प्लस कर देंगे, यानी कि साथ में एक चीज और दी गई है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 50,000। और दूसरी जो चीज यहाँ पर दी गई है वो है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 50,000। तो क्योंकि ये जो बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम में से लेस हो जाएगा और टोटल एक्चुअल जो रिजर्व एंड सरप्लस बचता है हमारा वो सिर्फ 1,50,000 ही बचेगा, तो इस केवल 1,50,000 के अमाउंट को हम अपने बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस की जो हेड है उसमें सेकेंड नंबर पे लिखेंगे 1,50,000। सेकेंड जो हेडिंग होती है वो होती है नॉन करंट लायबिलिटीज की, और उसके अंतर्गत हम बहुत सारे सब हेडिंग्स बहुत सारे पॉइंट्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमको जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है 12% डिबेंचर का केवल उसकी कैलकुलेशन की गई है, तो केवल उसको हम यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4 लाख। उसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो करंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो देखते हैं कि करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है। तो यहाँ पर जब हम करंट लाइबिलिटीज के पॉइंट देख रहे हैं तो एक तो हमको दिखाई दे रहा है ट्रेड पेबल और एक हमको दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। वैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 चीजें यहाँ पर है, एक तो है ट्रेड पेबल 2 लाख का और दूसरा है बी जिसको हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन 50,000 की, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे। अब लगभग जितने पॉइंट यहाँ पर लाइबिलिटी में आने थे वो हमने लिख लिए। ये हमको ध्यान में रखना है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है लेकिन प्रपोज डिविडेंड जो होता है उसको हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पर मानते हैं, इसलिए हमने प्रपोज डिविडेंड की जो अमाउंट है 50,000 वो यहाँ पर लिखी हुई है बैलेंस शीट में, और जब नोट्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पर हमने प्रपोज डिविडेंड के अमाउंट के बारे में स्पष्ट किया है कि वही अमाउंट शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर्गत आएगी। टोटल हम इसका करेंगे तो टोटल देखते हैं कि 18 लाख का ये टोटल दर्शा रहा है। अब एसेट्स में हम देख रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं, तो एसेट्स में सबसे पहले हम लिखते हैं नॉन करेंट एसेट्स,
इसके अंतर्गत आता है फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स में भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, टेंजिबल एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो टेंजिबल एसेट्स जो है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके बारे में जो एक लैंड एंड बिल्डिंग है 9 लाख का वो दिया गया है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 3,50,000 का अंडर कंस्ट्रक्शन जो दिया गया है वो है। तो इस दोनों पॉइंट को हम लिख देंगे, टेंजिबल एसेट्स 9 लाख, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 3,50,000। एक पॉइंट जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी इसके अंतर्गत आता है, जब हम एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स को लिखते हैं तो यहाँ पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो है उसके बारे में जो पॉइंट दिए गए हैं, अगर हम अपने अकाउंट्स नोट को देखते हैं तो वहां पर हमको पता चल जा रहा है कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लिखते हैं। इस बात को हमको नोट्स ऑफ अकाउंट में बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए कि हमने बैलेंस शीट में जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत 5 लाख लिखा है, एक्चुअली वो गवर्नमेंट बॉन्ड वाली अमाउंट है। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड वाली अमाउंट को हम इसके अंतर्गत लिख देंगे 5 लाख। अब नॉन करेंट एसेट्स के बाद सेकेंड हेडिंग हम देख रहे हैं करेंट एसेट्स की। तो करेंट एसेट्स में यहाँ पर हमको सिर्फ एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि स्पष्ट रूप से 50,000 दिया गया है। हम इसको एक बार नोट्स ऑफ अकाउंट में भी मेंटेन, हम एक बार इसको नोट्स ऑफ अकाउंट में भी मेंशन कर देंगे कि 50,000 की जो अमाउंट है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की है। और अब जबकि हम एसेट्स वाले कॉलम को टोटल करेंगे तो 18 लाख से ये टोटल होगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट जो है वो 18 लाख से टैली हो जा रही है। तो इस तरह से हम नोट्स ऑफ अकाउंट पहले बनाएं और उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाएं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों के फॉर्मेट को एक साथ बना लें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस से चलते जाएं और हम नोट्स ऑफ अकाउंट्स को में कैलकुलेशन करते जाएं और उसकी अमाउंट जो हमको प्राप्त हो रही है उसको हम बैलेंस शीट में लिखते जाएं। निम्नलिखित विवरणों से वर्ष के अंत में 31 मार्च 2015 के लिए लाभ हानि विवरण तैयार कीजिए। संयंत्र एवं मशीनरी 1,60,000, भूमि 6,74,000, संयंत्र एवं मशीनरी परहास 16,000, क्रय समायोजित 4 लाख, अंतिम रहतिया 1,50,000, मजदूरी 1,20,000, विक्रय 10 लाख, वेतन 80,000, बैंक अधिविकर्ष 2 लाख, 10% डिबेंचर 1 अप्रैल 2012 1 लाख, समता अंश पूंजी 100 रुपए प्रति अंश पूर्ण दत्त 2 लाख 2 लाख, अधिमानी अंश पूंजी 1,006% अंश रुपए 1,700 1 लाख प्रत्येक पूर्ण दत्त। बैलेंस शीट का टोटल है 16 लाख। अतिरिक्त सूचनाएं, पहला, प्रदत्त पूंजी पर 10% समता लाभांश घोषित किया गया। दूसरा, अधिमानी अंश पूंजी पर लाभांश का पूर्ण भुगतान किया गया। तीसरा, सामान्य संचय में 20,000 रुपए हस्तांतरित किए गए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि पहले जो हम लाभ हानि खाता बनाते थे उसको चेंज करके अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, जो कि 2 भागों में बटा होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। वीडियो में हमने देखा कि किस किस टॉपिक को हम रेवेन्यू में डालते हैं और किस किस टॉपिक को हम एक्सपेंसेस में डालते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर तैयार करते हैं तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है इनकम का, उसके अंतर्गत रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसकी अमाउंट 10 लाख रुपए है, क्योंकि सेल की जो अमाउंट आती है वो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं, वही टोटल अमाउंट होती है जो कि हमको प्राप्त होती है, और यहाँ पर हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, चाहे तो हम ब्रैकेट में समझने के लिए सेल्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि और किसी भी प्रकार के कोई रेवेन्यू या इनकम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस में, फर्स्ट जो यहाँ पर इसकी हेडिंग में आ रहा है वो है उपभोग की गई सामग्री की लागत, जिसको कि हमने वीडियो में भी देखा था बहुत स्पष्ट रूप से कि उसको हम व्यय के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये हमको जो क्रय के अंतर्गत जो राशि दी गई है उसके अंतर्गत हम इसको लिखेंगे, 4 लाख इसकी अमाउंट है समायोजित क्रय। दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं इम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस इसके अंतर्गत आते हैं, और उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स जो है वहां पर दिए गए हैं।
तो इसमें हम बहुत सारे पॉइंट जो इसके साथ आते हैं उसको ऐड करने के लिए एक खातों की टिप्पणी बना लेंगे, जैसे कि हमने देखा था अकाउंट्स नोट्स बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा अकाउंट नोट्स बना लेते हैं जिसमें हम हेडिंग डालेंगे पर्टिकुलर, और दो अमाउंट के कॉलम बनाएंगे, इनर अमाउंट कॉलम और फाइनल अमाउंट कॉलम। और इसमें हम हेडिंग डालेंगे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। देखते हैं इसके अंतर्गत किस किस मद को हम इसमें डाल सकते हैं। तो वेजेस हम इसमें शामिल कर सकते हैं जो कि 1,20,000 है। सैलरी हम इसमें शामिल कर सकते हैं जो कि 80,000 है। और किसी प्रकार की राशि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है जो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस के अंतर्गत आए। तो इसकी टोटल अमाउंट जो 2 लाख है वो हम इसमें डाल देते हैं लाभ हानि विवरण में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और नेक्स्ट पॉइंट में एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस यानी कर्मचारी हित में 2 लाख। इसी के अंतर्गत हमने देखा था कि फाइनेंस कॉस्ट इसके अंतर्गत आती है। तो फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर 10,000 दी गई है क्वेश्चन में, तो उस फाइनेंस कॉस्ट को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो फाइनेंस कॉस्ट में हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस जो फाइनेंस जब हम करवाते हैं तो उस समय हमको देने होते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से हमको यहाँ पर अमाउंट लिखनी पड़ती है। यहाँ हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 10% जो डिविडेंड हमको देना पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख रहे हैं कि ये 10 लाख का 10% 10,000 हो जाएगा, और इसको हम फिर फाइनेंस कॉस्ट मान लेंगे डिबेंचर की जो अमाउंट है, और 10,000 रुपीज हम यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट के अंतर्गत लिखेंगे। देन डेप्रिसिएशन दिया गया है, डेप्रिसिएशन भी इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रश्न में स्पष्ट रूप से संयंत्र और मशीनरी पर हाथ 16,000 दिया गया है, उसके अमाउंट को हम इसके अंतर्गत लिख लेंगे। और अब जब हम टोटल करेंगे तो ये देख रहे हैं कि 6,26,000 इसका टोटल आ रहा है, यानी कि अभी भी जो इनकम और एक्सपेंडिचर है दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अगर दोनों के टोटल का हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये हमको 3,74,000 मिलता है, जिसे कि हम कर से पूर्व का लाभ बिफोर टैक्स मान लेंगे। निम्नलिखित शेष 30 जून 2006 को मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के तलपट से प्राप्त किए गए हैं। विवरण डेबिट साइड में स्टॉक 30 जून 2005 को 7,500, विक्रय 35,000, क्रय 24,500,